नमस्कार और आप देख रहे हैं पल पल। कैथल जिले में आलू की अच्छी फसल होने तथा आलू के भाव बढ़िया मिलने से किसान खुशहाल। बड़ी बड़ी कंपनियां किसानों के खेत से ही अच्छे दामों पर आलू खरीद रही है। इसके अलावा आलू की खरीद सरकार की भावांतर भरपाई योजना के तहत खरीदने पर भी किसान खुश हैं। पल पल कैथल से नवीन मल्होत्रा की विशेष रिपोर्ट। सब्जी के हक के नाम से मशहूर कैथल जिला के कस्बा सीवन में आलू की फसल जोरों पर है। इस बार आलू की फसल अच्छी होने के कारण बाजार में आलू का भाव भी काफी अच्छा मिलने से किसान बेहद खुश हैं। किसानों द्वारा साल में दो बार आलू की फसल उगाई जाती है। पहली फसल दिसंबर माह में तैयार हो जाती है, जिसे किसान कच्चा आलू कहते हैं, जिसे बड़ी बड़ी कंपनियां खरीद कर चिप्स और फ्रेंच फ्राई बनाने में इस्तेमाल करती हैं और खरीद कर ले जाती हैं। वहीं दूसरी फसल फरवरी माह में तैयार होती है, जिसे किसान पक्का आलू कहते हैं। फरवरी में आने वाला ये आलू सारे साल के लिए स्टोर किया जाता है। कैथल जिला के गांव मलिकपुर के प्रगतिशील किसान गुरदयाल सिंह, जिसे हाल ही में आलू प्रौद्योगिकी केंद्र श्यामगढ़ करनाल द्वारा आयोजित प्रथम आलू एक्सपो द्वारा हरियाणा आलू गौरव अवार्ड से सम्मानित किया गया। उन्होंने संवाददाता से बातचीत करते हुए कहा कि कैथल जिला का कस्बा सीवन सब्जी आलू खरबूजा तथा खेती करने के लिए सब्जी का हब माना जाता है। उन्होंने कहा कि इस बार आलू की फसल अच्छी होने के कारण किसानों को आलू के दाम भी बहुत अच्छे मिल रहे हैं, जिस कारण आलू उत्पादक किसान बेहद खुश हैं। उन्होंने कहा कि पिछले सालों में किसानों की आलू की फसल उचित दाम न मिलने के कारण किसान दुखी और हताश होता था, लेकिन इस बार सरकार द्वारा भावांतर भरपाई योजना के तहत सब्जी और आलू उत्पादक किसानों में उत्साह बढ़ा है। अब देखें पल पल की एक खास रिपोर्ट।
गुरदयाल सिंह, मेरा नाम, मेरा गांव है मलिकपुर सीवन के पास। कैथल जिले में सीवन पहले भी बहुत सब्जी करता है, आलू करता है, मटर करता है और खरबूजा का भी हब माना जाता है, आलू का भी हब माना जाता है। अब की बार दिसंबर में जो आलू की फसल किसानों ने लगाई थी दिसंबर के लिए, तो उसमें अच्छा पैदावार हुई है और अब की बार रेट भी बहुत अच्छे मिले हैं और किसान इससे खुश हैं। हम अच्छी खेती करते हैं और पहले भी करते हैं, अब की बार अच्छे रेट होने की वजह से किसान बहुत खुश है। अब सरकार ने भी यहाँ पे करनाल में शामगढ़ में आलू एक्सो मेला लगाया था, तो उसमें आलू के बारे में बहुत अच्छी जानकारी दी थी किसानों को और बहुत किसानों को हरियाणा आलू गौरव अवार्ड से सम्मानित किया था। उसमें मेरा भी नाम था, मेरे को भी सम्मानित किया था और उस सम्मान को पाकर मैं बहुत खुश हूँ और आलू में अच्छा और काम करने की हमारी जो हौसला है वो बड़ा है और आगे भी हम आलू में अच्छा काम करेंगे और सब्जियों में बहुत अच्छा काम करेंगे। सर, ये दो वैरायटी हम लगाते हैं, टेबल वैरायटी होती है पुखराज और एक प्रोसेसिंग वैरायटी होती है LR। हमने दोनों वैरायटी लगाई हैं, पहले हमने पुखराज और पुष्कर को उखाड़ा है, उसका अच्छा रेट हमें मिला है, 900-950 रुपये तक के बैग हमने बेचे हैं, यानी कि 18 से 19-20 रुपये किलो तक। और अब हम अपनी प्रोसेसिंग वैरायटी LR को उखाड़ रहे हैं, जिसको कंपनियां ले जाती हैं चिप्स बनाने वाली, उसमें हल्दीराम, पेप्सी को कई कंपनियां शामिल है, गुडरिच है करनाल में, तो उनसे हमारा अभी आलू हमारा जा रहा है। तो आज का रेट हमारा 18 रुपये है इसका, और जो छोटा साइज है उसका हमारा 10 रुपये है आज का, तो बहुत अच्छा रेट हमें मिल रहा है और बहुत हम खुश हैं। अब की बार दिसंबर की जो फसल जा रही है बहुत अच्छी है, जो आगे हमारा आलू उखड़ेगा वो फरवरी में उखड़ेगा, जो उसको हम पक्का आलू बोलते हैं, जिसमें हम बीज भी निकाल लेते हैं और जो मोटा आलू होता है उसको मार्केट में भेज देते हैं या कंपनी को भेज देते हैं। तो क्या कंपनी में आलू देने से हमें व्यापारी नहीं ढूंढना पड़ता और ना ही हमें अपना आलू लेके कहीं जाना पड़ता, वो अपनी गाड़ी भेज देते हैं और वो गाड़ी भेज हम लोड करके देते हैं तो वो ले जाते हैं, तो इससे हमें भाड़े का भी फायदा हो जाता है। पेमेंट भी साथ साथ पेमेंट हमारी 15 से 20 दिन के बीच में आ जाती है। तो क्या पहले कई बार आलू का या अन्य सब्जियों का रेट कम आ जाता था, तो उसके वजह से उसको कहीं पे भी डंप करना पड़ता था, कहीं पे भी गिराना पड़ता था, या उनको किसान बा देते थे, क्योंकि जब तुड़ाई महंगी पड़ने लग जाती है तो किसान उसको नहीं तोड़ता या नहीं उखाड़ता, तो फिर उसको बा देता है या कहीं पे डंप कर देता है। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, सरकार ने 10 फल और सब्जियों का रेट फिक्स किया है भावांतर भरपाई योजना के तहत, उसमें आलू का रेट अब की बार 5 रुपये किलो है। अगर रेट डाउन 5 रुपये से डाउन आता है तो उसका जो भाव का अंतर होगा वो किसान को सरकार पे करती है, जैसे 3 रुपये रेट आया तो 2 रुपये किसान को सरकार पे करेगी। और ऐसे ही टमाटर में, प्याज में, शिमला मिर्च में, फूल गोभी में और बैंगन में और अमरूद है और किन्नू में, इनमें भावांतर योजना सरकार ने शुरू की है, जिससे काफी किसान लाभ उठा रहे हैं।